सोनी टीवी के पॉपुलर शो काव्या एक जज्बा एक जुनून में फाइनली काव्या कामयाब हो जाएगी राधिका का राज आदिराज के सामने खोलने में। होगा ये कि आदिराज और राधिका की शादी चल रही होगी और इसी बीच में काव्या को पता चलेगा कि आदिराज की माँ को एक रूम में बंद कर दिया है राधिका ने और काव्या उन्हें वहाँ से बचा कर ले आएगी और फिर खोलने लगेगी आदिराज और राधिका का गठबंधन। आदिराज कहेगा कि काव्या ये क्या कर रही है और इतने में आदिराज की माँ वहाँ आ जाएगी और काव्या बताएगी कि किस तरह से राधिका आदिराज को धोखा दे रही है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी इस तरह से टॉर्चर कर रही है। और जैसे ही ये बात पता चलेगी आदिराज के बड़े भाई को, जो अभी तक राधिका का साथ दे रहे थे, वो भी राधिका पर चिल्लाने लग जाएंगे और फिर यहाँ पर फाइनली पूरा राज खुलेगा और आदिराज को पता चलेगा कि काव्या ये शादी एक्चुअल में इसलिए रोक रही है क्योंकि आदिराज के लिए राधिका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काफी ज्यादा गुस्सा भी आएगा आदिराज को और यहाँ पर आदिराज को एक और बड़ी बात पता चलेगी काव्या से रिलेटेड, और वो ये है कि काव्या ने ये रिश्ता आखिर आदिराज के साथ क्यों तोड़ा था जबकि वो आदिराज से इतना प्यार करती थी। आदिराज की माँ उसे बताएगी कि काव्या ने किसी मजबूरी में आकर ये रिश्ता तोड़ा था और उसके बाद फाइनली आदि को पता चलेगी कि एक्चुअल में काव्या के ऊपर कितनी बुरी तरह से चीजें बीती है, कैसे उसे ब्लैकमेल किया गया था ताकि वो आदि को छोड़ दे एंड फाइनली फिर काव्या ने गिव इन कर दिया था। इस सब के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आदि और काव्या की शादी हो जाएगी। हालांकि दोनों के फादर्स इसके खिलाफ होंगे। आदि और काव्या की शादी के बाद दोनों की माएं बड़ी खुश होगी लेकिन क्योंकि इस घर से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आदि के फादर से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आदि और काव्या घर छोड़कर चले जाएंगे। देखना ये होगा कि अब ये दोनों एक साथ तो आ गए हैं लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी स्मूथ रहती है या ऑब्स्टेकल्स से भरी हुई।